हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग एंड स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नए ब्लॉग के अंदर। सुबह सुबह उठ के खेलने में लग गई है। अभी टाइम देखो 9:15 हुए हैं और हम आधा घंटे से ज्यादा हो गया उठे हुए। भाई दिल्ली के अंदर इतनी ठंड हो रही है ना, देखो यहाँ रूम हीटर चल रहा है, वहाँ ब्लोअर चल रहा है और इसको देखो ये अभी अभी सो के उठा है यार, मन नहीं। और आप मेरे को कह रही है चाय बना के ला, फिर से आ गई तो अपने वही औकात पर। ये आपको बाहर का मौसम दिखाता हूँ, मेरे को तो मैं बताऊँ 60 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है। ये देखो भाई पूरी धुंध, पूरी की पूरी फॉग ही फॉग जमी हुई है चारों तरफ। ऐसा लग रहा है सच में, ऐसा लग रहा है जैसे मनाली में आ गए हो, है ना। और ऑलमोस्ट मनाली शिमला जैसा ही टेम्परेचर हो रहा है, यहाँ पे 2-4 डिग्री का फर्क होगा ऊपर नीचे, बहुत ठंड है भाई। तो गाइज इतनी ठंड में कहीं बाहर जाने का तो फायदा है नहीं, तो मैं क्या सोच रहा हूँ चाय बना लेता हूँ सोनम के लिए और मेरे लिए भी। ये देखो सोनम ने पूरा का पूरा, सोनम कड़ी इसमें बनाती है और इसमें सोनम ने छोक लगाया था और इसको पूरा जला दिया। वैसे एक चीज बताऊँ, कड़ी बनाने के लिए बहुत सारी चीजें, लेकिन है ना इसमें अलग स्वाद आता है, दूसरे वाला यूज कर लेते हैं। देखो गाइज यहाँ से हम दूध मंगाते हैं, पास में द्वारका एक ककरोला गाँव है। ये देखो कितनी मोटी मलाई आती है, देखना एक बार दूध के अंदर। प्योर दूध की तो बात ही अलग होती है, प्योर भैंस का दूध हम लोग मंगाते हैं यहाँ पे। लो चाय रेडी है आपकी। थैंक यू। छोटे से राजकुमार आपकी पार्ले जी आ गई है, खाओगे क्या? हाँ भी, इसका भी कप लेके डोलती है। वो रहा ना कसका कप, ये देखो। हाँ, देखो। हाँ, दे रहे हाँ तो दे तो रहे हैं। चाय आपको मिलेगी, बिस्किट भी मिलेगी, सब मिलेगा, मिलेगी चाय नहीं मिलेगी। पता चल गया पापा कैमरे से वीडियो बना रहे हो मेरी चुप चुप के। तो गाइस अभी हम बिल्कुल दांतों के सब रेडी हो गए, निया को भी हमने तैयार कर लिया और मैं भी तैयार हो गया हूँ। और हमने आज इसको एक क्यूट सी ड्रेस बनाई जिसमें बहुत अच्छी लग रही है। अब इसको नींद आ रही है, दूध पी के थोड़ी देर सोएगी। तो हम ट्रैवलिंग में अब आपको दिखाते हैं अब हम कहाँ जा रहे हैं। अब हम जा रहे हैं कुतुब मीनार, थोड़ा घूम के आते गाइस। वैसे भी घर बैठे क्या करें, सर्दी सर्दियाँ होती है घूमने लायक, गर्मियों में तो कोई कहीं नहीं जाता, तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि एक दिन वेस्ट ना करें, हम घुमाएं, न्यू को भी घुमा लें, है ना। और हमारे साथ साथ आपको भी कुतुब मीनार देखने को मिल जाएगा। और क्या, हमारी ऑडियंस बोली होगी साला हमने तो कुतुब मीनार देखा ही नहीं, तुम ये अलग दिखाओगे। नहीं, तो किसी किसी ने नहीं देखा, जिसने नहीं देखा वो देख लेना, जिसने देख रखा हो दोबारा देख लेना। आए, है, मैं कितना स्मार्ट लग रहा हूँ देखो सोनम, दूर से ना टीवी में जूम करके दिखता है। अच्छा। मुंह मुंह नजर आ रहा था, कल हम टीवी में देख रहे थे। हाँ भाई हमने बड़ी टीवी लगवाई है घर में, जिंदगी में पहली बार। जिंदगी में पहली बार लगवाते। इतना बड़ा टीवी हमने सिर्फ फिल्मों में ही देखा था आज तक, हमारे घर में पहली बार लगवाया 55 इंच का। तो गाइज ठंड इतनी हो रही है, अभी हम बाहर निकल गए और ये देखो छोटी सी, इसके कुरकुरे इतने फेवरेट है, कुरकुरे इसको खाने भी हैं, इसको फिर मिर्ची भी लगती है, फिर ये खांसती भी है, फिर पानी पीना है, फिर दोबारा खाना है। हाँ, खाना वही है इसको फेवरेट है भाई। आपको मौसम तो देखने में साफ लग रहा होगा लेकिन ठंड बहुत ही ज्यादा है। तो अभी शाम ठंड है भाई बहुत। और भाई अभी हमने बाहर से पकौड़े और मिक्स पकौड़े जो बना रहा भाई, भजिया जिसे बोलते हैं, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं भाई। अभी चलते हैं आपको दिखाते हैं कुतुब मीनार, हम भी देखते हैं। मैंने तो आज तक 36 बार निकल गया, अंदर से तो कभी जाके देखा नहीं। और ये देखो हमारा न्यू कितने आराम से सो रहा है, गहरी नींद में सो रहा है, हमने इसको पूरा पैक कर दिया ताकि ठंड ना लगे। ले लो भाई हमारे छोटू को। बिल्ली उठ गई, आप उठ गए क्या? अरे भाई आप तो सो रहे थे, आप तो कुतुब मीनार पे आ गए। भैया पापा कुतुब मीनार नहीं दिखा, चलो आगे चलो, चलो भाई कुतुब मीनार दिखाते निया को। अरे खुश हो रहे है, भाई भाई कर रहे है। तो गाइस कितनी भीड़ है भाई टिकट काउंटर की, कितनी लंबी लंबी लाइन है। चलो भाई पहले इसको न्यू को पानी मिलाओ, बड़ी मुश्किल से भाई टिकट मिला है आज, बहुत भीड़ थी। मैंने यहाँ पे ब्लैक में टिकट खरीदा 40 रुपए का, 60 रुपए में। वाओ कितना महंगा है यार। ये देखो कुतुब मीनार पहुँच गए, एक मीनार, दो मीनार, तीन मीनार, चार मीनार, पांच मीनार और ऊपर 6 मीनार। तो गाइस अभी हम लोग आए भाई कुतुब मीनार और हम सोच रहे हैं कि भाई निया की एक दो अच्छी अच्छी फोटो खींच ले, लेकिन ये छोकन्नी छोटी सी लड़की पहली बार तो टोपा नहीं छोड़ती है यार, क्या करे, इसको बांधने वाला कुछ लेके आना चाहिए था, गलती हो गई। नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगी कोई चीज आपको, नहीं मिलेगी कोई भी चीज आपको। अच्छा पास से बहुत बड़ी लगती है, मतलब कैमरे में बहुत दूर लगती है, पास से बहुत बड़ी बड़ी सी लगती है। तो अभी हम अंदर जा रहे हैं, बहुत टाइम हो गया निया का टोपा पहनाते पहनाते।
पास से देखो भाई, ये देखो सही लग रहा है पास से तो बहुत। ये देखो रोसी गाइस भाई, यहाँ पे फॉरनरों के पास है ना बड़े अच्छे अच्छे इक्विपमेंट्स रहते हैं। सामने बिल्कुल सिनेमैटिक शॉट के लिए वो लंबा सा डंडा लिया जिससे है ना पूरा ऊपर का व्यू आ जाएगा, लेकिन हमारे पास कोई डंडा नहीं है। हमारे पास भी है। क्या डंडा कहाँ है? मन में। क्या कह रही है तू? आप बोल। मैं कह रही हूँ इतना बड़ी है ना, थोड़ा तेज बोल। लेकिन ये कुतुब मीनार टस से मस नहीं हुई। गाइस भाई ये देखो कितनी ऊंची बिल्डिंग है और यहाँ से देखो पूरा व्यू आ रहा है। और ये देखो कैमरे में तो ये छोटा सा लगता है, पतला सा, सामने से बहुत, और नियो को भी बहुत मजे आ रहे हैं। और ये देखो भाई ऑलमोस्ट काफी सारी चीजें तो खंडर बन गई है, लेकिन ये बड़ा प्यारा व्यू है यहाँ पे घूमने फिरने के लिए। ये देखो इस भाई ये कवर किसकी है पता ही नहीं है हमारे को, पर है तो सही, है तो ये कवर ही, लेकिन ये नहीं पता किसकी है। ये राजा की कब्र है और ये रानी की होगी। अब ये नहीं पता राजा कौन था रानी कौन था, हम इसीलिए तो कह रहा था कि चंद रुपए बचाने के चक्कर में गाइड कर लेती तो क्या होता। मैं कब बोला तूने झूठ? मांगे आज झूठ बोलता है। चलो आप इधर जितना भी घूम लो उतनी जगह सुंदर सुंदर है। इधर भी है सोनम कुछ यार। तो गाइज ये देखो ये मकबरा जो छोटा सा इन्होंने बना रखा है, ये शायद आई थिंक कुतुबुद्दीन ऐबक की कब्र हो सकती है। पता नहीं अब क्या सिस्टम है क्या नहीं है भाई, इसकी हिस्ट्री के बारे में तो ज़्यादा पता है नहीं। ऐसे ही है ना बिल्कुल, वो वहाँ पे जो क्या कहते ताज, हर जगह सेम ही होती है, ताजमहल में भी ऐसी बना रखी है। हाँ इवन या नीचे तो आई थिंक शायद पानी वानी का होगा कुछ यहाँ तो। देखो भाई कुतुबुद्दीन ऐबक मैं आपसे मिलने आया हूँ, आप कितने खुश नसीब हो। एक राजकुमार मिलने आया दूसरे राजकुमार से। अरे वो राजकुमार, अरे भगवान, उठा के ये देखो भाई सोनम सही कह रही थी। हाँ सही में हाँ, ये देखो सामने कब्र है और नीचे देखो सीढ़ियां है यहाँ से। ये देखो ये ताला लगा रखा है यहाँ से जाने का रास्ता नीचे, नीचे होगी ना ऊपर बना दी होगी उन्होंने। तो गाइस जगह बड़ी मस्त है, मैं तो पहली बार आया हूँ कुतुब मीनार, मतलब बचपन से दिल्ली रह रहा हूँ, कभी स्कूल टाइम में आया हूँ, बहुत छोटे में तो ध्यान नहीं है इतना ढंग से, और हो संभाला जब से तो पहली बार आया हूँ, तो बड़ी अच्छी जगह भाई, मजा आ रहा है। यहाँ से देखो भाई यहाँ पूरा व्यू देखो कितना प्यारा लग रहा है। ये देखो कुतुब मीनार कितना बड़ा और कितना शानदार नजर आ रहा है यहाँ से। सोनम यहाँ पे देख छोटी छोटी कब्र भी है, देख ये नहीं देख सामने देख, इस लड़की को कोई काम नहीं है यहाँ पे आके, देखो हमारे साथ छुपन छुपाई खेल रही है। मैंने अब आपको बताया था ना ये कब्रिस्तान है यहाँ का, मैं तो है ना बहुत मजा आ रहा है घूमने में, मैं वैसे गया बहुत बार हूँ जैसे मैंने बताया, और इतनी मजा आ रहा है देखने में। और इधर से देखना यहाँ से पूरा दिखाई देता है भाई, दूर से छोटी छोटी लगती, देखना पड़ेगा अंदर जाके। तो गाइस अभी हमने पूछा कि ये क्या चीज है, तो बताया कि ये भी मीनार है, वो कम्प्लीट नहीं हो पाई थी उस टाइम पे, तो रह गई होगी अधूरी। भैया क्यों रह गई ये तो हमें नहीं पता, क्यों अब ये पिटेगी, ये 20वीं 25वीं बार इसने टोपा निकाला, और ये पहले तो तू पप्पी दे। नहीं नहीं ठीक है पहले एक और पप्पी, भैया बहुत टंडोरियन है, जुकाम हो जाएगा बेटे। ओ बेटे तो गाइस जैसा कि आपको बताया भाई ये मीनार है जो कंप्लीट नहीं हो पाई थी, है ना, ये तो एक जो कुतुब मीनार दिखाई दे रही है ना आपको सामने, बाकी हम हिस्ट्री जाके बाद में पढ़ेंगे, पहले हम देखने आए। तो गाइस ऑलमोस्ट हमने भाई कुतुब मीनार घूम लिया है, सोनम को कैसा लगा? बहुत ही बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, लेकिन टाइम कम है, वजह से हम थोड़ा सा रुक नहीं सकते पर ठीक है। ये देख क्या कर रहे, क्या कर रहे, ये देखो क्या कर रही है, चलो क्या कर रहा है, न्यू खुद की जीप पकड़ने की कोशिश कर रही है। वाओ तो गाइस मुझे ना ऐसे मॉन्यूमेंट्स पे घूमने में बहुत मजा आता है, सोनम तुझे जिसमें हिस्ट्री से चीजें जुड़ी हुई हो, मैं तो गिर सकती हूँ कहीं भी, डोंकी देख के चला करना। ए डोंकी सुनना, भाई ये खलजी का मकबरा है और यहाँ से आप व्यू देखो, यहाँ से बहुत बढ़िया आ रहा है, और नहीं हमारा थक गया बिल्कुल, अभी थोड़ी देर नीचे छोड़ेंगे उसको। तो ये देखो गाइस ये टॉमा है, आपको अंदर से दिखाता हूँ, बहुत बढ़िया लग रहा है, तो खंडर टाइप ही।
ये देखो भाई ऐसा फील हो रहा है जैसे कि भानगढ़ में आ गए हो, जैसे भानगढ़ में खंडर बना हुआ है ना उसी तरीके से कुछ इस खंडर टाइप है, ऊपर से गायब है। जाओ आ जाओ जल्दी आओ, भाग के आओ मेरे पास, जल्दी आओ, टॉफी मिलेगी, भागना नहीं है वापिस। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ खिलजी। कुतुबुद्दीन कुतुबुद्दीन कहाँ है तू? कुतुबुद्दीन दिख नहीं रहा मुझे यहाँ पे, तू कहाँ गया? अरे कहाँ गया कुतुबुद्दीन तू? अरे कहाँ गया कुतुबुद्दीन? यहाँ मैं तेरे एरिया में आया हूँ, तू दिख नहीं रहा मुझे। पकड़ने के लिए घूम रही है, गुस्सा आ रहा है उसको, गिर जाएगी। तो फाइनली गाइस घूम लिए, घूम के हमें आया बहुत मजा, पूरा भी नहीं घूमे लेकिन घूमने को बहुत अच्छी जगह है भाई, जितना भी घूमे उतना बहुत मजा आया। चलो भाई चलते अपनी यहाँ को लेके घर, चलो नहीं घर चलते, चलो चलो चलो। और देखो आज की करनी हो तो आप इस तरीके से, यहाँ पे बहुत सारे खोपचे हैं, कहीं पे भी खोपचों में आ जाना आज की करनी हो तो। ये देखो हाँ, हम भी पहले कपल से जब बहुत घूमते थे, नाहरगढ़ जयगढ़ कितने मजे आते थे, वो टाइम ही अलग रहता है। देखो तो सही बेटा है, देखो हमें हल्दीराम में लिया है और सब कुछ खाना है आपको, खिलाओ भाई खिलाओ, नींबू खिलाओ, नींबू भूखी लगी बहुत तेज है, हर कोई आता है इसको है ना, उसको बाय करती है जब इसके पास आ जाता है फिर छुप जाती है। क्यूट हो, दूर दूर से आप बाय बाय करते हो, जब आपके पास आते हैं जब आप भाग जाते हो है ना। गाजर का हलवा खा रही है, देख लो भाई निया गाजर का हलवा रही है, बहुत अच्छा लगा। नियो को भाई छोले भटूरे खाने, सब खाने, गाजर का हलवा खाना है। ए निया, ए निया, 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 चुप रही है, दोबारा बोला सुनो, ये चुपके देखती, देखो गाइस कैसे चुपके देखते हैं। इधर गांव में बराती आवांगे ये बड़े से, तो सो हेलो गाइस वेरी गुड मॉर्निंग। निया ये देखो ये लड़का क्या कर रहा है, ये छोटू सा क्या कर रहा है, हम इसे लड़की नहीं लड़का ही मानते। ए सुन ना निया, अरे मेरी बात तो सुन ले भाई, ओ हेलो जादू, सुबह से नहाए भी नहीं हूं, चलो बोलो गुड मॉर्निंग, बोलो गुड मॉर्निंग भी करना, ये देखो। और चुटकी बजाना निया, चुटकी चुटकी बजाना, चुटकी बजा दो ये, और क्लैपिंग कर दो, क्लैपिंग क्लैपिंग करके दिखाओ ये, और गुड मॉर्निंग बोलो, गुड मॉर्निंग बोलो, गुड मॉर्निंग बोलो, आ जाओ। देखो गाइस आपको बुला रहे, बोला आ जाओ, लाइन किसी करना, हाथों से करो करो, ये देखो भैया बहुत शैतान हो गए, बहुत फनी फनी हरकतें करते हैं। देखो रे इस कबूतर को डाया दिए सुबह से, और मच्छर ने काट लिया ना, शर्माने की जरूरत नहीं है। इधर देखो ऑडियंस की आंखों में देख के बात करो, बदमाश बज रहे हैं भाई, ऑलमोस्ट 1 बजे के आसपास टाइम हो रहा है, गुड मॉर्निंग तो क्या उसे थोड़ा ऊपर ही हो गया, वैसे हम तो 9 बजे के उठे हुए हैं। और सोनम क्या कर रही है? सोनम भैया इसकी मील्स तैयार कर रही है। पता हमारी ऑडियंस को क्या बोल रही थी? आ जाओ। अच्छा सबको बुला ले गाइस, सबको बुलाती है भाई, कोई भी नहीं रहना चाहिए, सब मेरे पास आ जाओ मेरे साथ खेलो। तो चलो गाइस हम आपको थोड़ा सा बाहर का मौसम दिखाते हैं भाई, बहुत बाहर तो बहुत ठंडा मौसम हो रखा है, दिल्ली का टेम्परेचर भाई बहुत ही ज्यादा डाउन है, जयपुर में इतनी ठंड नहीं लगती क्योंकि वहाँ हवाओं की भी स्पीड कम होती है और यहाँ हवा की स्पीड भी ज्यादा होती है, टेम्परेचर भी कम होता है, बहुत सर्दी लगती है। देखो गाइस अभी भी है ना धुंध हो रही है हल्की हल्की। देखो मैं निया से पूछूंगा ना, चिड़िया का, निया चिड़िया कहाँ है? चिड़िया बोरी, चिड़िया बोरी, देखो कुछ लेवल का शराबी आया है हमारी गाड़ी में, ये देखो ये देखो, चकना कहाँ है भाई तेरा, चकना कहाँ है? ओ छोटे सुन भाई, लो पापा रुक जाओ पैक बनाता हूँ, रेड लेवल है मेरे पास में, अभी पीऊंगा इसको। ये देखो गाइस ये देखो, अरे ये कौन लेकर आया आपकी गाड़ी में? गाइस ये हमारी गाड़ी में पता नहीं कौन दारू छोड़ गया, हमें तो पता ही नहीं, हम तो पीते ही नहीं है, क्यों भाई? भैया तौबा, ये शब्द सुनने से पहले मेरे कान भी नहीं फट गए, ये निया ने पिए, निया ने, ये देखो ये दारूबाज छोटा सा। अच्छा इसी से नशा करते होगा आप? हाँ। देखो हाँ कर रही है, इसी से नशा करते होगा आप, इसी से नशा करते हो क्या? और क्या और क्या पापा आप क्या समझो। तो सोनम अभी आज हम कहाँ है भाई? आज हम आए मॉडल टाउन, जीटीवी नगर, कमला मार्केट, डीयू का जो फेमस कमला मार्केट है। मैं कहा यार पहले मैं बहुत पहले गई थी, ये भी तो बता दो आप किस लिए आई थी यहाँ पे?
कपड़े लेने। नहीं नहीं, मुखर्जी नगर में आप क्या करने आई थी? अच्छा हाँ, जिस टाइम मैं आईएएस के इंस्टीट्यूट जाती थी उस टाइम, मतलब आज से 7 साल पहले करती थी, आईएएस की प्रिपरेशन कर रही थी, लेकिन मैंने इसको है ना किसी लायक नहीं छोड़ा। बता दो, सोनम आईएएस की प्रिपरेशन कर रही थी तो उस टाइम ये यहाँ रहती थी, उसी दौरान मेरी इससे मुलाकात हुई थी, 2015 की ये बात है। तो भाई सोनम का है ना एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सिलेक्शन भी हो गया था, एंड उसका अच्छा खासा पे ग्रेड है, 4200 से 4600 के बीच में पे ग्रेड भी अच्छा खासा था, स्टार्टिंग सैलरी भी इसको 50-60 हजार रुपए मिल रही थी। हमने इसको जाने नहीं दिया, मैंने की छोड़ क्या करेगी, पत्नी का असली कर्तव्य होता है पति की सेवा करना, घर में रह के पति की सेवा करो, उसके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाओ। पर मेरा ये डिसीजन बहुत ही गलत था, हकीकत में मुझे ही चाय बना के पिलानी पड़ जाती है, कई बार मुझे ही रोटी बनानी पड़ जाती है। तो आपकी किसी की बीवी नौकरी करना चाहे तो उसे नौकरी करने देना भाई, घर में मत रोकना, मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी। मेरा पति गाइस डोमिनेटिंग है, मुझे अपने प्रभुत्व में रखना चाहता है, इसीलिए मुझे नौकरी नहीं करनी दी। अब भर भर के कॉमेंट में गालियां देना, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं था, बस ये था कि मैं कमा रहा हूँ और हम जितना कमा रहे हैं सफिशिएंट है, थोड़ा बच्चों की परवरिश यार अच्छे से हो जाती है, मेन मोटो तो यही था। नहीं थी बात थी, जिस टाइम मेरा सब कुछ होने वाला था उस टाइम प्रेगनेंसी हो गई थी। हाँ, फिर उसके बाद हमारा माइंड चेंज हो गया बाद में, फिर मैंने कहा चलो ठीक है, एक मैं जॉब में हूँ कोई बात नहीं, ठीक है। लड़की को जॉब करना चाहिए गाइस, नहीं तो पति मारता है। तू ये बात बोलेगी तो कोई नहीं मानेगा, अगर तू ये बोलेगी ना मैं इसे मारती हूँ तो ये गाइस जैसा दिखता है ना वैसा नहीं है। तो गाइस अभी हम कहाँ हैं, कमला नगर मेन मार्केट में है अभी हम, और भाई अभी हम रुके जूस पीने के लिए, ठंडी बहुत है, और देखो हमने हमारे बिल्ली को कैसा बना दिया, बिल्ली बिल्ली मूछ बना ली, कुछ हो गया। देखो भाई निया के लिए किसको बुला रहे हो, निया प्राइस खा लो आप। तो गाइस अभी हम आगे घूमते फिरते कमला नगर मार्केट में, आज बहुत सारी शॉपिंग कर ली हमने। हाँ यार। और भाई बहुत थक गए, थोड़ा दूर पड़ता है ना ट्रैफिक जाम की वजह से, तो अभी हमने अपनी मील वगैरह मंगा ली है। हाँ दिल्ली में सब कुछ अच्छा, बस ट्रैफिक बहुत बुरा है। ट्रैफिक तो भाई आजकल जयपुर में भी होने इतना ट्रैफिक है कि हम जितनी वजह से निकले थे ना तो जयपुर पहुंच जाते। और मैकडी की कोल्ड कॉफी बहुत अच्छी है, दिल्ली का ट्रैफिक बहुत बुरा है।